हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है दीपक, ये है रश्मि। वेलकम टू अवर चैनल रशदीप। तो यार, मार्च में एक नया हरियाणवी गाना आया है जो काफी ज्यादा फेमस हो चुका है और जो इनके तो सर पे चढ़ के बोल रहा है, 24 घंटे वो गाना चलता रहता है। उस गाने की वीडियो मैंने तो देखी है, लेकिन रश्मि ने अभी तक उस गाने की वीडियो नहीं देखी है। और मुझे हरियाणवी उतनी समझ में भी नहीं आती है, सो बस बाउंसर जाता है। So, आज हम उस गाने के ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाने वाले हैं एंड लेट्स सी वीडियो कैसी है, गाना कैसा है। लिरिक्स जब तक समझ में नहीं आती तब तक गाने से आप टच कैसे फील करोगे बताओ। अब आपको तो समझ में आती है, इसलिए आपके तो वो सर पे चढ़ के बोल रहा है। अरे यार, यानी समझ में आ जाएगी, मैं हूं ना। हाँ, तो समझाइए और आपको भी समझाते हैं, अगर आपको भी यही चीज है कि नहीं समझ में आ रही है। तो गाने का नाम भाई, गाने का नाम है दबिया नहीं कर दे। कौन दबा रहा है ये बता दो बंदे तो। अरे हरियाणवी दबी नहीं सकते भाई। हाँ चलो चलो, हरियाणवी। चलिए गाना देखते हैं। बाय द वे, गाना है किसका ये? गाने का नाम है दबिया नहीं कर दे और ये गाना गाया है एंडी कुंडू ने और बिंटू पावड़ा ने, और इस गाने को लिखा है केपी कुंडू ने, और साथ में गाया गाया भी उन्होंने। नहीं गाया नहीं है। ओके, गाया नहीं है। तो चलो फिर गाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? फुल मतलब गांव का एकदम हरियाणवी स्टाइल है। हाँ, एकदम पूरा शॉट ही ऐसे है कि भाई स्प्लेंडर ले गया रहा एकदम, और दूसरा भाई चिलम था रहा हाथ में। और इस गाने में जो अच्छा लगता है स्टार्टिंग में, जो मुझे चीज दी जो बोलते ना एंडी एंडी कुंदो, अच्छा लगता है वो। चलो बिंटू बावड़ा एंडी कुंडू। एक तो ये इतना फास्ट है ना, बस बोलते ही जा रहा है। स्टार्टिंग की दो लाइंस मुझे समझ में आई है और उसके बाद का मुझे समझ में नहीं आया। तो एक बार बताओ जरा, जो स्टार्टिंग में इसने बोला दैट इज कि स्टार्टिंग में इसने बोला है पढ़े भी हाँ कढ़े भी हाँ, मतलब पढ़े भी हैं हम और बाहर भी निकले हैं, बट कभी बड़ों के आगे अपनी जुबान नहीं चलाई, वो चीज समझ में। उसके बाद क्या बोल गए यार? ये कह रहा है कि छोटों के साथ तो प्यार है हाँ। और जो बिना गिड्डी के लोटे हैं। अच्छा, बिना गिड्डी के लोटे मतलब कभी अपने यूपी में उसको बोलते हैं बिना पैंदे का लोटा। अच्छा, मतलब कभी यहाँ पलट गए कभी यहाँ पलट गए, तो उनके साथ कभी नहीं बनी हमारी, ये कह रहा है। ओके ठीक है, ऐसे समझ में आ रहा है, अदरवाइज तो बाउंसर ही जाता है भाई। पावड़ा मेरी मामा का गांव है। लागी नंसार है। चलो तो फेमस हो गया। और क्या? अच्छा, ये जो अभी आए ये तो समझ में आ रहे लिरिक्स, कुछ कुछ लिरिक्स होते हैं जहाँ नहीं समझ में आते, अब तक तो ऑलमोस्ट सब समझ में आया है। और बहुत प्यारे लिरिक्स है, मतलब डेप्थ बहुत ज्यादा है सब लिरिक्स, एक एक वर्ड बहुत बढ़िया है, एक एक वर्ड बहुत अच्छा है। और एंडी कुंडू के गाने पहले भी आए हैं, एंडी कुंडू कभी इतने फेमस मतलब ज्यादा फेमस नहीं है, एंडी कुंडू मतलब पहले से ज्यादा फेमस नहीं है, लेकिन इस गाने से बहुत फेमस हो गए हैं। एग्जैक्टली, लेकिन एंडी कुंडू की आवाज काफी अच्छी है, एंडी कुंडू के पुराने और भी गाने काफी अच्छे हैं, लेकिन बिंटू पावड़ा की आवाज बहुत अच्छी है यार, इस गाने की आवाज बहुत दमदार है। कच्ची कड़ियां की छत मैंने चौंधी देखी है, मतलब जो बारिश में टपकती है। कच्ची कड़ियों की छत मैंने चौंधी देखी है, मतलब टपकती भी देखी है, टपकती भी देखी है, मतलब वही ना एकदम जैसे होता है ना, खुद अपनी, हाँ खुद अपनी स्टोरी आप बता रहे हो और लिरिक्स कहीं रिपीट नहीं हो रहे हैं, कंटिन्यूअसली चेंज हो रहे हैं और डेप्थ बहुत ज्यादा है। अगर मीनिंग देखो तो आपको डेफिनेटली टचिंग फील हो जाता है। शॉट्स तो बहुत बढ़िया है, शॉट्स बहुत प्यारे लिए गए हैं सच में, स्पेशली ये बिल्ली।
एक बारी सुने बंदा हो जा अमली बोल मेरे सुल्फे की लाट वर्गे संस्कार आले खेत मने जोते नखरो मार खतरा की नदियां में गोते नखरो पाड़ के जो लाया थारे दिल्ली के कुआड़ उस दादा महाराज के हम पोते नखरो पीछे देख गाने पे कमेंट नहीं कराए कदे तालो या ना तालो दोष लक पे नहीं लाए कदे बिना गाड़ी करे रोडवेज में सफर पर नए नए बाल गागे पीछे को नहीं खाए कदे मतलब क्या लाइंस लिखी हैं खुद ही बता रहे हैं भाई कि बेफालतू की पब्लिसिटी नहीं चाहिए झूठे कमेंट्स नहीं चाहिए जो करेंगे अपने पैसे दम पे करेंगे ना कमेंट करवाए पैसे देके ना व्यूज खरीदे कुछ नहीं किया भाई और अगर गाना नहीं चल रहा है तो लक के ऊपर दोष नहीं लगाया हाँ, यही है जो बेसिकली उन्होंने अभी तक बोला है और बिना गाड़ी करे रोडवेज में सफर मतलब गाड़ी नहीं थी तो रोडवेज में सफर करे पर नए नए बालकों के पीछे नहीं खाए पूरी ओके है रिपोर्ट शोसे बाजी को नहीं करी रुतबे सरकारी आले है ऐसे ऐसी बात है हरियाणा के लड़के शोसे बाजी नहीं करते अरे करते होंगे बट भाई ये जो गांव के खेती करने वाले जो लोग हैं हाँ। वो सोसेबाजी क्यों करते हैं वो बिल्कुल ही नहीं करते हैं मेहनत करते हैं जब और क्या इसमें यही दिखाया गया कि भाई जो किसान है किसान के बेटे हैं मेहनत करते हैं और आर्मी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो अपना प्रैक्टिस करते हैं और मेहनत करते हैं तो ये है असली तो यही है हरियाणा अच्छा। बाकी सोसेबाजी करने वाले तो यार उनको कौन रोक सकता है करनी भी चाहिए थोड़ी बहुत तो वैसे अबे ये शॉट काफी अच्छा लगा मुझे इस गाने में एक कबूतर उड़ते हुए एकदम आते हैं और साउंड भी लगा रखा है इन्होंने ये शॉट काफी अच्छा क्या बोलते हो आप उसको चुबारा ये चुबारा बोलते हैं हमारे यहाँ चुबारा छत पे बेसिकली जो कमरा है उसे चुबारा बोलते हैं ओ ये ये मतलब कभी किसी के ऊपर प्रेशर नहीं डाला किसी काम के लिए अच्छा अच्छा ठीक ठीक ये बताओ माँ की जाई जाई लड़की के लिए बोल रहे हैं मतलब लड़की के लिए बोल रहे हैं कि कभी किसी माँ की बेटी के साथ फ्रॉड नहीं किया माँ की यहाँ पे ये सीधा ये भी बोल सकता था कभी किसी लड़की के साथ नहीं किए लेकिन डेप्थ यूज करिए और अच्छे से लिखा है कि माँ की जाई के साथ फ्रॉड नहीं किया लिरिक्स मतलब बेसिकली लिरिक्स बहुत अच्छे बहुत मेहनत करी इन्होंने लिरिक्स पे वो पता भी चल रहा है ऑब्वियसली ये तो एपिक है गाने में लास्ट में बहुत अच्छी हमिंग है हमिंग बहुत अच्छी है ये डायरेक्टर बैम्बू बीट्स का म्यूजिक है इस गाने में काफी अच्छा है मतलब म्यूजिक काफी अच्छा है म्यूजिक बहुत बढ़िया है और मतलब जो सिंक्रोनाइजेशन है ना मतलब ऑडियो की और म्यूजिक की वो बहुत तगड़ी है मतलब ये नहीं है कि म्यूजिक अलग चल रहा हो और वॉइस अलग चल रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है मतलब जो मिक्सअप है ना मिक्सिंग बहुत अच्छी है और पूरे पूरे गाने में आप देखेंगे कंटीन्यूअस लिरिक्स हैं बोलता ही जा रहा है बंदा तो मेहनत करी ऑब्वियसली दिखती है तभी पहले वाले गाने शायद किसी वजह से उतने हिट नहीं हुए लेकिन ये गाना तो डेफिनेटली यार सुपर डुपर हिट गया है तो टोटल व्यूज इस पे अभी कितने दिखा रहे हैं 1 करोड़ व्यूज हो चुके हैं इस गाने पे और एक महीना ही हुआ है शायद इसको भी आए हुए हाँ और ये तो वैसे भी आप तो आते ही स्टार्टिंग में ये छा ही गया था मैं तो आया ये मैं तो जब से सुन रहा हूँ जब से ये गाना लॉन्च हुआ है
मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया बिकॉज भाई कैसा लगा आपको? हाँ गाना लिटरली बहुत अच्छा है, अगर उसकी क्लियर हो जाती है किस वे में वो कहना चाह रहा है, तो एक आपको व्यू मिल जाता है उसके लिए, तो समझ में ज्यादा बेटर आता है। यस, तो गाना बहुत अच्छा लगा। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि क्या आपके साथ भी वही होता है जो मेरे साथ होता है कि मुझे कुछ लिरिक्स समझ में नहीं आती और फिर मैं गाने पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। सो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू, फिर मिलेंगे। बाय बाय।